Okay, Okay, let me just so quickly profit check whether it's reflecting on IDSA FB page or not. No, it's not there as of now. so it would be there because Probably. so I'll just play a video in the meanwhile. So good morning everyone and welcome to this session on the Center of Excellence in Direct Selling in academics and postgraduate diploma in direct selling. So I'll just play you a video wherein you can see. Yeah, it has come. It has come. Just wanted to update you. It has come on IDSA FB page, so we can continue. So let me Sure. quickly start the session. And namaskar everyone. Welcome to all our viewers who are watching us live on IDSA's and Chunni's FB page, YouTube pages, and other social media channels. And I think this technology glitches have become a part of new normal that we all have to start living with. जितना जल्दी हम सीख लें, ये सब चीज है कि हम विजिबल है या नहीं, हम ऑडिबल है या नहीं, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितना प्यार आपने हमें 19 जून को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग एंड एकेडमिक्स के इनॉग्रेशन के मौके पर आपने दिया, जिस तरह से आप लोगों ने सेटसा इनिशिएटिव को सराहा है, उसको प्रेजेस दी है, उसको अपना सपोर्ट व्यक्त किया है, ये हमारे लिए बहुत ही एक एनकरेजिंग बात है। और हमारे पास इतनी ढेरों क्वेरीज आई, पीपल आर इंटरेस्टेड नोइंग कि सेटसा क्या है, कोर्स क्या है, किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन लेवल में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए ये कोर्स करने के लिए। तो हमने सोचा कि अब इस डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ जो कि प्रेरणा स्रोत है सेटसा के, इनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता इन सब सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज हमने ये वेबिनार स्पेशल 1 घंटे का प्लान किया है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग सेटसा या रिगार्डिंग जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग हमारा कोर्स है, हम कोशिश करेंगे जितना हो सके आपको उनके सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दे पाए। और कमल जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? यस सर। सो सर्वप्रथम तो IDSA का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने फुल फ्लेजेड एक सपोर्ट दिया इस ड्रीम को रियलाइज होने में। और बहुत समय से हम इस सपने को लेकर चल रहे थे कि एक दिन डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स में आए, डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में पढ़ाया जाए। और मुझे याद है 2012 में इस चीज की एक मैंने इनिशिएशन की थी जब मैंने IDSA को एक लेटर लिखा था कि ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर नहीं आना चाहिए बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर भी आना चाहिए, जो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, MHRD थी। और उसके बाद ये सफर चला, IDSA से भी सपोर्ट मिला, मेरी यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। और उन्होंने बेबी स्टेप्स थे, 3 साल बाद मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स स्टार्ट किया जिसमें कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को एक चार हमने उसमें हम बिजनेसेस पढ़ाते थे उनमें से एक नेटवर्क मार्केटिंग था। और उसके बाद 3.5 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग का एक स्टैंड अलोन कोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया और आज आपके सामने हम एक पूरा डिप्लोमा स्टार्ट कर रहे हैं। एंड गॉड विलिंग नेक्स्ट 2 ईयर्स हम इसमें एक MBA भी स्टार्ट करेंगे जो कि फुली डेडिकेटेड होगी डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो आपका भी चेतन जी बहुत सहयोग मिला, थैंक यू वेरी मच। एंड डेफिनेटली लेकिन IDSA का तो सर एक काफी पुराना सपना शुरू से रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग जितनी जल्दी हो सके हमारे एकेडमिक्स में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ सर, सेटसा इनिशिएटिव जो है इसको ना केवल इंडिया में बल्कि हमारी वर्ल्ड फेडरेशन जो है उसके लेवल पे भी इसको काफी सराहना मिल रही है। मेरे पास काफी फोन आ रहे हैं जो बाकी देशों के जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन हैं जिन्होंने कुछ इस तरह के इनिशिएटिव अपने यहाँ पर अपनी कंट्रीज में भी शुरू किए थे, वो भी जानना चाहते हैं इसके बारे में मोर एंड दे आर ट्राइंग टू यू नो गिव अस देयर फुल सपोर्ट व्हेनेवर वी कैन रिक्वायर एनी सपोर्ट फ्रॉम देम। वो लोग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, ये इनिशिएटिव जो इस तरह का एक शुरू हुआ है मेरे ख्याल एशिया में शायद ये पहला ही एक इस तरह का इनिशिएटिव है। तो हमें वर्ल्ड लेवल भी इसका काफी सपोर्ट मिल रहा है एंड आई एम श्योर दिस विल गो अ लॉन्ग वे। राइट चेतन जी, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ स्मॉल वीडियो ऑफ शूली यूनिवर्सिटी बिकॉज सिंस दिस इज अ सेंटर जो कि शूली यूनिवर्सिटी में, एक छोटा सा वीडियो में आप तो खैर वहां पर आए हैं और ये हाँ जी फिजिकली हाँ जी विजिटेड द यूनिवर्सिटी बट सम ऑफ द पीपल हैव नॉट, सो आई जस्ट प्ले अ स्मॉल वीडियो।
So that's how beautiful our university is. Yeah. Yes, sir. I've been there, and I must say it's one of the most prettiest looking university that I have seen. The whole surroundings and everything. You feel like going to the university again and taking admission in some course just to be there in that university. So it's a very good thing if you know that some, you know, university generates that kind of vibes in you. So please continue, sir. So as our viewers have been asking more details on CETSA, so sir, I believe you have a presentation made on CETSA, wherein you will be explaining virtually every aspect of what CETSA has to offer to our viewers. So I would request you to kindly start with the presentation. Thank you, Chetanji. Our presentation hum share karte hain. So it's around 20-25 minute presentation. Or I'll just take you through it. I hope the presentation is visible, Chetanji. It's visible, sir. Chalo, perfect. So thank you for giving the opportunity, first of all. So सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पहले चेतन जी ने भी दे दी है, मैं भी आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ. नाम कमलकांत वशिष्ठ है, और हिमाचल प्रदेश की ये जो खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, जिसका वीडियो आपने अभी देखा, जिसकी झलक अभी आपने देखी, और आपको स्क्रीन पे भी थोड़ी सी झलक दिख रही है यूनिवर्सिटी की, हमारी लाइब्रेरी की फोटोग्राफ्स है, और ये नाइट फोटोग्राफ है नीचे जो आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का. तो इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल से कार्यरत हूँ. प्रेजेंटली मेरी डेजिग्नेशन है डायरेक्टर ऑफ ई लर्निंग और एसोसिएट प्रोफेसर, और एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन अकेडमिक्स, जो अभी हमने ओपन किया है, CETSA जिसके हम नाम देते हैं. तो आज वैसे हम CETSA का एक पूरा अलग से विंग है, उसमें बहुत सारे और आयाम है CETSA के, जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ जरूर करूंगा, पर आज जो हम प्राइमरली बात कर रहे हैं, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक प्राइमरली अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, जो अपने तरीके का पहला डिप्लोमा है, जो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि ऑल ओवर एशिया फर्स्ट टाइम इस तरीके का कोई फुल फ्लेजेड एकेडमिक प्रोग्राम किसी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है. इससे पहले सिर्फ जो हमारी जानकारी में, हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन हमारी जानकारी में सिर्फ फ्रांस में एक डायरेक्ट सेलिंग का एक डिग्री पढ़ाई जाती थी, जहां पर आपको बीबीए टाइप का एक कोर्स है जो कि आपको कराया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अदरवाइज वर्ल्ड ओवर कहीं भी नहीं है. तो इस डिप्लोमा के बारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, नॉन कन्वेंशनल है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो बहुत सारी क्वेरीज है लोगों की, और उसके आपकी इन क्वेरीज को हम थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस प्रोसीड. सबसे पहली बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आजकल आई है, आपको पता है बहुत सारी जगह इसकी बात हो रही है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही वेलकम स्टेप है हमारे देश में एजुकेशन की स्थिति को सुधारने की तरफ. अदरवाइज मतलब मैं एजुकेशन इंडस्ट्री का पार्ट हूं, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद हाउ वी आर प्रोसीडिंग, हाउ वी आर प्रोसीडेड, क्योंकि हम वो चीजें पढ़ते हैं जो अक्सर जिंदगी में बहुत ज्यादा काम नहीं आती, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज हम ऐसी गेन करते हैं जो कि वेस्टिजियल है, मतलब उसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है आपकी जिंदगी में. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टूवर्ड्स अ स्किल डेवलपमेंट, या आपकी जॉब में बहुत कम हेल्प करती है वो चीजें. लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक नया फ्रेश इनिशिएटिव है, एक फ्रेश, एक खुशबू है एक एजुकेशन में, जो कि आपको एक ऐसी एजुकेशन की तरफ लेके जाती है जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है, और आप वो चीजें पढ़ेंगे जो कि जिससे कि आपका एक करियर प्रोग्रेशन में बहुत हेल्प मिले, राइट? और आप अलग अलग आयाम देख सके. न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल है. अदरवाइज पहले क्या था, जो इंजीनियर बन गया वो फिर इंजीनियर है, मतलब उसके पास कोई और स्कोप नहीं है, उसको इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी, उसको इंजीनियरिंग की ही जॉब करनी पड़ेगी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्लेक्सिबल है, ये बोलती है आप सब चीजें ट्राई करो, और जिस चीज में आपको अपना पैशन नजर आता है वो चीज आप फॉलो करो. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ही अंडर इंडस्ट्री अकेडमिया एक बहुत बड़ा बॉन्ड है, क्योंकि इंडस्ट्री को जो चाहिए वो अकेडमिक्स को पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, ताकि हम उस तरीके से अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर कर पाए, और वो जाके ही टेक्स ऑन द इंडस्ट्री जस्ट लाइक हैंड इन ग्लोव. वो जाके एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो इंडस्ट्री को चाहिए वो अकेडमिक्स प्रो से, और वो हमें बताएं, और अकेडमिक्स जो तैयार करे, अकेडमिक्स जो फ्यूचर जनरेशन को प्रिपेयर करे,
वो इस तरीके से प्रिपेयर करे कि वो जाके इंडस्ट्री को पैशनेटली सपोर्ट कर सके। तो एक यूनिक इनिशिएटिव है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, आपको पता है प्रीमियर रेगुलेटरी बॉडी है डायरेक्ट सेलिंग की हिंदुस्तान में, और जो कुछ भी हिंदुस्तान में अच्छा डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में हुआ है वो उसमें अगर सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी को जाता है तो आईडीएसए को जाता है। तो एक आईडीएसए और शूली यूनिवर्सिटी, शूली यूनिवर्सिटी भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डायनेमिक यूनिवर्सिटी है, रिसर्च साइटेशंस में नंबर वन है, क्यूएस की रैंकिंग्स में ऑल ओवर एशिया टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में आती है, एच इंडेक्स इनका 75 है हमारा शूली यूनिवर्सिटी में। जो लोग रिसर्च से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पता है कि 75 एच इंडेक्स होना बहुत ज्यादा बड़ी बात है, और ऑल ओवर एशिया अगर हम बात करें तो भी वहां पर हम टॉप 1% में आते होंगे। तो ये दोनों जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे've जॉइंड हैंड, और हमने ये देखा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा एंटरप्रेन्योरल मॉडल है जो कि हमारे देश की सुख समृद्धि में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो वी कोलैबोरेटेड, और अपने तरीके का पहला कोलैबोरेशन है, और इसके अंदर हम कोई मतलब हम जॉबर्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप जितने भी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखोगे, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट है, चाहे वो मेक इन इंडिया है, चाहे वो डिजिटल इंडिया है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत है, जितने भी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको ये जो हमारा एक कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री और एकेडमी का जो पार्टनरशिप है, शूली और आईडीएसए का जो पार्टनरशिप है, इन सभी के सभी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को ये फलीभूत करता है। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग पार्ट है सेटसा का। सेटसा क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स। ये भी अपनी तरह का पूरी दुनिया में दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और इससे पहले एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूएसए में जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन है DSEF, और उन्होंने भी हमें बहुत प्रॉमिस किया है कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। लास्ट टाइम अगर आप में से कुछ लोग सेटसा की इनॉग्रेशन में थे तो गैरी हगिन्स जो वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो उसमें आए थे, और बाद में उन्होंने मुझे एक बहुत विस्तृत मेल भी लिखी कि किस तरीके से वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सेटसा कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। इसी के अम्ब्रेला के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग आता है। सो फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग एंड अदर एकेडमिक प्रोग्राम्स एज द टाइम गोज ऑन। तो सबसे पहला काम तो सेटसा का है एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टार्ट करना, जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है, अगस्त से वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल एकेडमिशियंस हु आर एसोसिएटेड विद डायरेक्ट सेलिंग। व्हाट वी हैव सीन इज देयर आर एन नंबर ऑफ एकेडमिशियंस हु आर एसोसिएटेड विद डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के साथ बहुत सारे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स एसोसिएटेड है पहले से, लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्हें यह नहीं समझ आता कि वो रिसर्च करें तो कोलैबोरेट करके कहां करें, वो सिर्फ अपनी जॉब्स में सीधे सीधे कर रहे हैं। दे वांट टू कंट्रीब्यूट लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो वी वांट टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म, जैसे डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन यूएस वाली जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर 400 प्रोफेसर्स है जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज से हैं, और वो सारे कोलैबोरेट करके रिसर्च करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में, जबरदस्त रिसर्च करते हैं। और रिसर्च से क्या फायदा होता है? रिसर्च से ये फायदा होता है कि जहां जहां रिसर्च की जाती है डायरेक्ट सेलिंग पे, मैं आपको बताता हूँ रिसर्च के सिर्फ दो सेंटर्स हैं, एक DSEF और दूसरा है पिकिंग यूनिवर्सिटी में चाइना में, और यहीं पर डायरेक्ट सेलिंग के रिसर्च सेंटर्स हैं। और अगर हम टर्नओवर की बात करें तो यूएस और चाइना ये इतना टर्नओवर करते हैं कि ये हिंदुस्तान से तकरीबन 15 गुना टर्नओवर करते हैं, राइट? तो और टॉप टू नेशंस है, यूएस इज फर्स्ट, सेकेंड इज चाइना। फ्रांस में भी, जहां मैं आपको बता रहा था, फ्रांस में भी डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई की जाती है, इट इज सिटिंग एट नंबर 9। तो हिंदुस्तान अभी 15वें पायदान पे है, और सभी लोग जो भी डायरेक्ट सेलिंग के जानकार है सभी बोलते हैं कि हिंदुस्तान बहुत जल्दी टॉप 5 में होगा, टॉप 3 में होगा। मेरा तो ये मानना है कि हिंदुस्तान टॉप नेशन बनेगा डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में। दैट इज व्हाट आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट, राइट? क्वालिटी रिसर्च करेंगे, और क्वालिटी रिसर्च करके क्या होता है, ये एक रैशनैलिटी देगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में। और रैशनैलिटी जिस दिन मिलेगी, अवेयरनेस जिस दिन होगी, उस दिन फिर अच्छे लोग हमारे साथ और जुड़ेंगे, और अच्छे लोगों के जुड़ने से हमेशा इंडस्ट्री बहुत परिपक्व होती है और आगे बढ़ना उसका लाजमी है। स्टूडेंट्स को आज के समय में आपको पता है स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं करियर ऑप्शंस, एंड वो ऑर्थोडॉक्स जो ट्रेडिशनल जो हमारे प्रोफेशंस होते थे, तो कहीं ना कहीं उससे एक जो बच्चा है वो ऊब गया, एंड ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर फर्दर।
नए प्रोफेशंस की तरफ चल रहा है। तो हम स्टूडेंट्स को एक बताएंगे कि ये कैसे डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही एडवेंचरस, एक बहुत ही जिसको आप बोलते हैं जबरदस्त एक करियर अपॉर्चुनिटी है, एंड वी वॉन्ट टू मेक देम अवेयर अबाउट व्हाट डायरेक्ट सेलिंग कैन ऑफर टू देम। एंड फाइनली सेटसा का एक और इनिशिएटिव ये रहेगा कि MOOC, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, सारी दुनिया MOOCs की तरफ जा रही है, सारी दुनिया ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रही है। आप देख सकते हो जो प्लेटफॉर्म्स है, कोर्सेरा, एडएक्स, यूडेमी, स्वयं जो सरकार ने लॉन्च किया है, उनमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया, बहुत सारे लोग सेल्फ एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमने एक MOOCs भी हम डेवलप करना चाहते हैं, जो कि हमने एक्चुअली फर्स्ट यूनिट पर लॉन्च कर दिया है, जो हमारा शूलनी का अपना MOOC का एक प्लेटफॉर्म है। तो MOOC हम बनाएंगे जिसके ऊपर कि लोग आके अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वर्थवाइल एजुकेशन ऑन डायरेक्ट सेलिंग। तो ये सेटसा का एक एंटायर कंसेप्ट है और इसके बारे में आप कभी, हम कभी और डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आज जो हमारा प्राइमरी मोटिव है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हमने बात करनी है। आपको हम क्लैरिटी देंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये क्यों बनाया गया, आपको इससे क्या फायदा हो सकता है, कौन लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले वाय, क्यों हमने सोचा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग को लॉन्च करने का, राइट, या अकेडमिक्स के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लाने का क्या हमारा उद्देश्य रहा। सबसे पहली बात, अवेयरनेस क्रिएट करना, जागरूकता लाना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि ह्यूज पोटेंशियल है, वर्ल्ड वाइड $200 बिलियन की इंडस्ट्री है, $200 बिलियन की। और अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान अभी क्या कर रहा है, तो हिंदुस्तान 17,500 करोड़ कर रहा है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैंने आपको बताया US, चाइना, इवन जापान, कोरिया जैसे छोटे देश, वो हिंदुस्तान से 10-10 गुना टर्नओवर कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा आबादी है ना, और इतना बड़ा हमारा देश है, इतना बड़ा, बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत पोटेंशियल है। लेकिन किन्हीं कारणवश, जबकि 25 साल पुरानी इंडस्ट्री हो चुकी है, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणवश ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उस मुकाम पे नहीं पहुंची जहां पर कि ये पहुंचनी चाहिए थी। और उसका एक ही कारण है, मैं तो अपनी रिसर्च से आपको बताता हूं, सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लोगों में इसके प्रति भ्रांतियां हैं, लोगों को लगता है ये मेंबर मेकिंग स्कीम है, लोगों को लगता है ये बेचने का काम है, ये पीछे पड़ने का काम है, इट्स अ कंसेप्ट। तो लोगों को, अच्छे लोगों को ये समझाना जरूरी है, उनको, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। वी नीड टू कम्युनिकेट टू द स्टेटा, जो सोशल स्टेटा है, जो हायर सोशल स्टेटा है, उनको ये समझाने की जरूरत है कि ये कंसेप्ट क्या है। हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग जो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाई, उसका कारण ये है कि हो सकता है कि वो जो सही एक इंग्रेडिएंट चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, वैसे लोग इसमें नहीं आते हैं। जनरली पीपल हु आर गेटिंग इनटू डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, अदर पीपल, यही सोचा जाता है कि भाई यार जो कोई कुछ काम नहीं कर रहा वो डायरेक्ट सेलिंग करे, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी कभी एक अच्छे वैल्यू सिस्टम वाला आदमी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है तो फटाफट ग्रो करता है, एंड पीपल विद अ पुअर वैल्यू सिस्टम दे कैन नॉट सक्सीड एनीवेयर, राइट। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है ताकि लोग डिफ्रेंशिएट कर सके कि एक मेंबर मेकिंग स्कीम में और एक जेन्युइन कंपनी में क्या फर्क है, राइट, और एक जेन्युइन कंपनी पैसा कहां से डालती है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, लीडरशिप डेवलपमेंट। डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट लीडरशिप, डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़ दो, आप कोई भी एंटरप्राइज है, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। जितना अच्छा एक लीडर होता है उतनी अच्छी इंडस्ट्री होती है। और आज के समय में हम देखते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप जनरेशन ही सबसे बड़ी बात है। अगर आप लीडर्स को डेवलप कर सकते हो, अगर लीडर्स को जनरेट कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये एक लीडरशिप सर्च एंड डेवलपमेंट का बिजनेस है, इट्स नॉट अबाउट लीडरशिप सर्च एंड स्नैच। ऐसा नहीं है कि भाई आप लीडर्स इधर उधर से लेके आओगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग में इंप्रूव करने की भी जरूरत है। तो पीपल नाउडेज, बहुत सारे ट्रेंड ऐसे चल रहे हैं इंडस्ट्री में जिनको कि रिमूव करने की जरूरत है, एंड everywhere it happens. So we are going to provide a leader, we are going to provide people who are ready to take on the responsibility, right? उनको हम प्रोवाइड करने के लिए हमें जरूरत पड़ी कि हम लीडर्स, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए एक एजुकेशन के वे से जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि एजुकेशन के वे से आपने देखा है हमेशा ही लीडर्स जाते हैं। आपने देखो ब्यूरोक्रेट्स, IAS, HAS लोग क्लियर करते हैं, वो कहां से जा रहे हैं? एजुकेशन से होके जा रहे हैं। आप देखो अगर
आईएम्स में एक व्यक्ति होता है जो कि अपनी एमबीए करता है और उसके बाद सीधा जाके वो जीएम की पोस्ट पे बैठ जाता है, जोनल मैनेजर की पोस्ट पे बैठ जाता है, वो क्यों बैठ रहा है और क्यों लोग उसके प्रति लोग ऐसा उनको ओबे करने को तैयार होते हैं, उनको फॉलो करने को तैयार होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है थ्रू एजुकेशन और उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम वी आर इन अ पोजिशन वेयर इन वी कैन लीड यू इफेक्टिवली। तो वैसे ही अगर एजुकेशन के थ्रू हमारे डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स जाएंगे तो वो अच्छी तरह से एथिकली ऑनेस्टली लीड कर पाएंगे अपने ग्रुप्स को, अपने नेटवर्क को। कनेक्टिंग द डॉट्स, हम टैप करना चाहते हैं जो मोर मैच्योर एक स्ट्रेटा है, जो कि हम अगर वैसे भी अक्सर देखेंगे, जैसे मान लो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एक बच्चा एमबीए करके जाता है या कोई अच्छी पढ़ाई करके जाता है तो उसे पहले से पता होता है कि यार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है, उसमें कैसे कैसे उसको काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, उसको लीड करना पड़ेगा, उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे, राइट? जबकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अभी तक किन्हीं कारणवश ऐसे लोग नहीं आ पाते हैं और जो आते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं फटाफट। अगर एजुकेशन के थ्रू जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, हाउसवाइव्स हैं जो कि जिनके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही ज्यादा वायबल करियर ऑप्शन है बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, है ना, उन्हें अगेन कुछ एक मिसकंसेप्शन है जो उन्हें पता है, जो उन्हें लगती है। तो उनको डॉट्स को हमने कनेक्ट करना है किसी तरीके से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है और जो हमारा इंडिया का अनयूज पोटेंशियल है, जो अनएजुकेटेड यूथ है और हाउसवाइव्स है और बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जो कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू, उनको हमने कनेक्ट करना है, रैशनैलिटी लानी है हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। एवरी कंपनी इज यूनिक। हम अक्सर ये बोलते हैं कि कई बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपनी सबसे बड़ी एनिमी खुद ही होती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट टॉकिंग irrationally about other companies। हर एक हमें ये समझना पड़ेगा as a direct seller, हर एक कंपनी अच्छी है, हर एक कंपनी के अपने pros and cons हैं। It is all about conformance to requirements। आप जिस स्टेज पे हैं, आप जिस social strata को belong करते हैं, आप जहां पर geographically रहते हैं, आपके लिए कौन सी कंपनी suitable है, तो ये चीजें आपको कैसे पता चलेंगी जब हम कंपेयर करते हैं सारी कंपनीज के pros and cons, और ये हम डायरेक्ट सेलिंग उसके अंदर लाएंगे। तो जो भी बच्चा हमारे पास आएगा उनको हम सारी की सारी कंपनी के मॉड्यूल्स हम स्टडी करवाएंगे एंड देन दे विल बी एबल टू चूज रैशनली कि उनके लिए कौन सी कंपनी सूटेबल है। इट इज नॉट अबाउट बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड, अदरवाइज जिस कंपनी में आदमी जाता है उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखता है एंड ही टॉक्स टॉकिंग इरैशनली अबाउट अदर कंपनीज, उसके लिए बस अपनी कंपनी के अलावा कुछ नहीं है, राइट? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस लाने की कोशिश है हमारी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हाउ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वाई ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, सभी लोग बोलते हैं आपका वाई क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, आपके सपने होंगे तो आप क्लियर हो जाओगे, लेकिन सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, हमें मतलब एक प्रूवन प्लान ऑफ एक्शन भी चाहिए, हाउ भी तो चाहिए, करेंगे कैसे? ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स टू सक्सीड, लेकिन क्या सब सक्सेसफुल होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक एक्शन प्लान नहीं है, एक साइंटिफिक प्रूवन प्रिडिक्टेबल प्लान ऑफ एक्शन नहीं है जिसपे चल के आदमी सक्सेसफुल हो। हम बात करेंगे हाउ की, बेसिकली व्हाई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बट हाउ इज इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई बिलीव, राइट? एंड फाइनल जो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम का, दैट इज प्रॉफिटेबल डायरेक्ट सेलर। हम चाहते हैं एक डायरेक्ट सेलर, उसको एक प्रॉफिटेबल प्रिडिक्टेबल सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम हम प्रोवाइड कर सके। आज के समय में डायरेक्ट सेलर का जो एक सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा नहीं है। वो बहुत अच्छा क्यों नहीं है? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू बिकॉज देर आर नो एंट्री बैरियर्स। अब एंट्री बैरियर्स नहीं है तो कोई भी आ सकता है, तो अदरवाइज कोई जॉब में सक्सेस चांसेस क्यों आदमी के ज्यादा होते हैं? क्योंकि पहले एक इंटरव्यू होता है, उसकी क्वालिफिकेशन होती है, प्री रिक्विजिट्स होती है, तो एक प्री रिक्विजिट्स होना वहां की एडवांटेज। डायरेक्ट सेलिंग में ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज कोई एंट्री बैरियर नहीं है तो कोई भी आ सकता है, और क्योंकि कोई एंट्री बैरियर नहीं तो कोई भी आ सकता है, राइट? तो हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग अगर इसमें आएंगे तो उनको हम एक प्रॉफिटेबल और प्रिडिक्टेबल परपेचुअल, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्रोफेशन जहां पर तीसरी जनरेशन भी बहुत सारे लोगों की ऐसी है जो कि इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रही है, तो एक ऐसी इनकम स्ट्रीम हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो दीज आर द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यू प्रोपोजिशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग की वैल्यू प्रोपोजिशन, यू कैन सी द वन लाइन वैल्यू प्रोपोजिशन है, क्रिएटिंग अ मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन। एक ऐसी करियर ऑप्शन जिसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो। मैंने अभी बात की थी हाउसवाइफ्स की, बहुत सारी हाउसवाइफ्स अपना इनिशियल करियर सेक्रीफाइस करती हैं टू अपब्रिंग देयर चिल्ड्रन एंड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली,
और बहुत सारी एजुकेटेड हाउसवाइव्स हैं जो कि सोच रही हैं कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ ना कुछ करना है. सो डायरेक्ट सेलिंग इज अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर देम. और इससे ही क्लियर हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें 74% 74% डायरेक्ट सेलर्स आर फीमेल्स. तो एक फ्लेक्सिबल और रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन ना सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग को टेकअप करते हैं एज अ करियर. एंड बाय द टाइम देयर स्टडीज आर ओवर दे आर अर्निंग ह्यूज, दे आर अर्निंग इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं कि उनको मतलब वो कंपीट करते हैं अपने जैसे जो बहुत टॉप एंड कॉलेजेस से जो एमबीए कर रहे हैं या कहीं से कर रहे हैं, तो उस लेवल तक वो पहुंच जाते हैं. एंड इट्स अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन विच गिव्स यू अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, टाइम एंड मनी फ्रीडम, राइट? सो फर्स्ट मूवर्स है हम, मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग, अभी तक कहीं भी ऐसा कुछ भी शुरू नहीं हुआ है. इट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी वेयर एन स्टूडेंट कैन अर्न वाइल ही इज लर्निंग ओनली. तो जैसा आपको मैं आगे भी बताऊंगा, इस कोर्स के दौरान ही, 1 साल का जो ये कोर्स है उसके दौरान ही एक जो स्टूडेंट होगा वो अर्न करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि लास्ट के जो 4 महीने हैं वो पेड इंटर्नशिप के महीने हैं और बहुत ही नॉमिनल हमने इसकी फीस रखी है. और जो भी मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि बाय द टाइम अ पर्सन फिनिशेस हिज कोर्स हो सकता है वो अपनी पूरी की पूरी फीस रिकवर कर ले, राइट? गारंटेड पेड इंटर्नशिप्स हैं, बहुत सारी आईडीएसए का सपोर्ट है, बहुत सारी कंपनीज के जो फाउंडर्स हैं उनके साथ मेरी बात हुई है, एवरीवन इज सो सपोर्टिव टू द कॉज, हर एक आदमी सपोर्ट करने के लिए तैयार है. तो अच्छी पेड इंटर्नशिप्स होगी, इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप का ये मॉडल है. इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप को मेरा ये फर्म बिलीफ है कि अगर कोई इंडस्ट्री है जो कि इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप को पूरी तरह से जिसको बोलते हैं कि उसमें पूरी तरह फिट बैठती है, तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है. इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप है एक आम आदमी को एंटरप्रेन्योर बनने का जो मौका दे, एक आम आदमी को. अदरवाइज लोग एंटरप्रेन्योर बनने से क्यों डरते हैं? उन्हें लगता है यार उनका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा, उन्हें लगता है बहुत सारा पैसा लगेगा, उन्हें लगता है बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, कहीं बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, कोई ये बनाना पड़ेगा, ऑफिस बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, है ना? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा है जिसमें कि ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, एंड स्टिल अ पर्सन कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. तो अगर इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप और डायरेक्ट सेलिंग को देखें तो दे फिट लाइक हैंड इन ग्लोव, एक दूसरे से बिल्कुल बहुत ज्यादा ये मेल खाते हैं. और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया है जिससे इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी तरह से हम इसको आगे लेके चल सकते हैं. प्लान ऑफ एक्शन है, मैंने आपको बताया था कि प्लान ऑफ एक्शन जरूरी है, हाउ इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से चलना है. और ये जो चीजें हैं ये रिसर्च पे बेस्ड है, ये साइंटिफिक बेस्ड है. जो भी चीज रिसर्च की जाती है वो ट्रूथ होता है, राइट? इट इज डीम्ड टू बी अ ट्रूथ. और हमने जो मॉडल बनाए हैं रिसर्च पे बेस्ड है, सारे की सारी प्रूवन है, ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, इनके पायलट प्रोजेक्ट्स हैं. हम एक पायलट हम कर भी रहे हैं एक कंपनी के साथ इन द इंटरेस्ट ऑफ आईडीएसए, आई विल नॉट नेम द कंपनी, बट इट इज प्रूविंग वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो, राइट? एंड वी विल प्रोवाइड एन एंटायर टूल किट फॉर अ डायरेक्ट सेलर टू सक्सीड इन इंडस्ट्री, राइट? तो हर एक प्रोफेशन की तरह डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के भी कुछ टूल्स हैं जो हमें चाहिए और उसी से वो सक्सेसफुल हो सकता है. करियर प्रोग्रेशन प्लेसमेंट मॉडल है, वन ऑफ इट्स काइंड है, अनऑर्थोडॉक्स है. कभी भी वैसा सोचा नहीं गया हम एक प्लेसमेंट मॉडल भी देंगे. क्यों देंगे प्लेसमेंट मॉडल जबकि एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि हमारा बेंट ऑफ माइंड ही वही है. अगर आप एक एमबीए के बच्चे को 25-30-50 हज़ार रुपए की नौकरी दे दोगे वो खुश है, चाहे उसको अगले फिर 10 साल तक उसी सैलरी पे रहना पड़े. लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई अभी से एंटरप्रेन्योरशिप कैसा होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको शुरू में तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, और इट इज लाइक ओनली आफ्टर 6 मंथ्स, 1 साल बाद आप कमाना शुरू करते हो. लेकिन हमारे अंदर उतनी पेशेंस है नहीं, हमारे बच्चों के अंदर उतनी पेशेंस नहीं है. तो एक करियर प्रोग्रेशन हम ऐसा यूनिक प्लेसमेंट मॉडल दे रहे हैं जिसमें आपको जॉब की सिक्योरिटी भी मिलेगी शुरू में, और आप आहिस्ता आहिस्ता 1 साल के अंदर यू विल गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल. तो इनिशियल जॉब सिक्योरिटी प्लस एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम, इसको हम कंबाइन करके दे रहे हैं. कैसे दे रहे हैं हम आपको आगे बताएंगे. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, 1 साल का डिप्लोमा होगा, कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलर कोर्स है. हमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जो बोलते हैं कि सर ऑनलाइन होगा तो हम कर लेंगे, तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो रही हैं. इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. अभी स्थितियां ऐसी है कि अभी इनिशियल तो ऑनलाइन ही चलना है ना. हो सकता है पूरा कोर्स, पूरा जो फर्स्ट बैच है वो भी ऑनलाइन चले, लेकिन अगर गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट की ओपनिंग हुई और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई
बच्चों को यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाए तो आपको आना पड़ेगा, है ना। ये चीजें मैं पहले क्लियर कर देता हूं। इट्स अ रेगुलर कोर्स, जहां पर कि अभी की स्थितियों को छोड़ दो, जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में ये ऑन कैंपस कोर्स होगा, इट वुड नॉट बी एन ऑनलाइन कोर्स, राइट। और हम सारी चीजें कवर करेंगे, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, डायरेक्ट सेलिंग के सब कुछ हम कवर करेंगे इसके अंदर। 8 महीने का कोर्स वर्क होगा, 4 महीने की इंटर्नशिप होगी। 8 महीने के कोर्स वर्क में 2 ट्राइमेस्टर्स होंगे, जिसमें हम बहुत सारे कोर्सेज उनको, मतलब 12 कोर्सेज हम पढ़ाएंगे, जो सारा का सारा अभी बताऊंगा क्या पढ़ाएंगे। और उसके बाद 4 महीने या तो उनकी चॉइस की कंपनी या फिर हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे कंपनीज, उसमें वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम उसके अंदर पढ़ाएंगे, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, इवोल्यूशन क्या है, मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं, उनका, बल्कि जो मेजर प्लेयर्स हैं उनका एक मॉड्यूल अलग से भी हम पढ़ाएंगे, ताकि सो दैट न्यू पीपल कैन एक्चुअली चूज फ्रॉम द कंपनीज दैट कौन सी कंपनी उनके लिए ज्यादा सुटेबल है। कंपनी तो सभी अच्छी है ना, बहुत सारी कंपनीज अच्छी हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, गाइडलाइंस क्या है, 99% डायरेक्ट सेलर जो इस समय इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे नो नथिंग अबाउट इट। उनको सिर्फ ये पता है कि गाइडलाइंस रिलीज हुई हैं, वो क्या बोलती हैं क्या नहीं बोलती कुछ नहीं पता। बल्कि जो पोन्जी स्कीम में भी काम कर रहे हैं लोग, स्कीम्स में भी काम कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में जो काम करते हैं, वो भी बोलते हैं जी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आ गई, अब हम लीगल है, है ना। मतलब दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि लीगल क्या है, पोन्जी स्कीम क्या है, कौन सी कंपनी जेन्युइन है कौन सी नहीं है। सेल्स के बारे में हम पढ़ाएंगे, सेल्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीवनस लाइफ, एवरीवन इज सेलिंग, बट समहाउ पीपल आर एप्रिहेंसिव अबाउट सेलिंग, लोग थोड़ा डरते हैं सेल्स के नाम से। मैं सेल्स ही पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में प्राइमरी, तो सेल्स तो एक नोबल काम है, एक बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। अगर आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हो, जो भी चीज आप बेच रहे हो उससे आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हो, उनको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो शायद आप गलत कंपनी में हो। आपको फिर सेल्स आप कभी नहीं कर पाते अगर आपको खुद ही विश्वास नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएंगे, और ऑफकोर्स डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बगैर तो कुछ भी पूरा नहीं होता आजकल। कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी सक्सेसफुल प्रोफेशनल। कोई भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, इनके अलावा वो सक्सेसफुल हो नहीं सकता, राइट। इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन डायरेक्ट सेलिंग। मेरा PhD का रिसर्च टॉपिक रहा है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन डायरेक्ट सेलिंग, और 6 साल की एक कठिन तपस्या के बाद हमने निकाले फैक्टर्स जो कि क्रिटिकल है, जिनके साथ ही आदमी सक्सेसफुल हो सकता है बिजनेस में, और अगर इनमें से एक भी चीज छूट जाएगी आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। हमने निकाले हैं चीजें और रिसर्च से निकली हैं, ये बहुत सारे जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनसे निकली हैं ये चीजें, राइट। और हमने इसका पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया था 2 साल का, जिससे ये चीजें निकली, सपोर्टिव फैक्टर्स क्या है। और फाइनली हम जो इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं उनसे पढ़ाएंगे। एक और चीज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी कभी लैकिंग मुझे लगती है, वो ये लगती है कि वो लोग उस चीज को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने उस चीज को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सेल्स वो लोग पढ़ा रहे हैं कई बार जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में सेल्स नहीं की। एंटरप्रेन्योरशिप वो पढ़ा रहे हैं जिन्होंने नौकरी के अलावा कभी सोचा ही नहीं है जिंदगी में कुछ और, तो वो नहीं पढ़ा सकते एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो हम आपको उन लोगों से, जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको हम इंडस्ट्री लेजेंड से पढ़ाएंगे, हम उन लोगों से पढ़ाएंगे जो कि वो रास्ता पार कर चुके हैं, राइट। केस स्टडीज होंगी, ये सारा का सारा कोर्स वर्क होगा, और डिटेल में भी कभी आपको इसके बारे में बता सकते हैं। गेट सेट ग्रो एक मैनुअल है जो कि अगेन रिसर्च बेस्ड मैनुअल है, और बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स इसके अंदर है, जिसपे अगर फॉलो किया जाए तो 100% सक्सेस प्रिडिक्टेबल है। अगर आप उसी सारे के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, जो भी कुछ बताया जाता है, जो बेसिक्स है उनको आप फॉलो करते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है आपकी सक्सेस, राइट। तो ये इसका एक्सेस हम देंगे। हर एक कंपनी के कंपनसेशन मॉडल के हिसाब से अलग तरीके से इसको डिजाइन किया जाएगा। प्लेसमेंट आउटकम्स मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा थॉट ही प्लेसमेंट्स की तरफ होता है। पेड इंटर्नशिप होगी, आपको कुछ पैसा वहां भी मिलेगा, 7-8-10 हज़ार रुपए जो भी कंपनी ऑफर करेगी 4 महीने में, तो 25-30-40 हज़ार रुपए तो आपको इंटर्नशिप में ही वापस आ जाएगा। और कस्टमाइज प्लेसमेंट ऑफर, ये आपको समझने की जरूरत है। कस्टमाइज प्लेसमेंट ऑफर का मतलब क्या है? जनरली जब भी हम कभी प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो बैचेस में होती है। तो कोई एक, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में MBA के लिए कोई कंपनी आती है, मान लो ICICI आ गया बैंक, तो वो बोलते हैं जी हाँ ठीक है, 7-8 लाख रुपए के पैकेज के ऊपर हम 15 बच्चे ले लेंगे, है ना, 15 बच्चे या जितने भी उनको लगता है, तो वो सबके सब सेम पैकेज पे जाते हैं, राइट। यहां पर क्या होगा, आपकी इंटर्नशिप में आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। हमें हमेशा ये बात समझनी पड़ेगी कि परफॉर्मेंस का सीधा सीधा रिश्ता है आपके रिवॉर्ड से, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खासकर। तो आपकी इन 4 महीने में जो इंटर्नशिप होगी, जो ऑफकोर्स पेड होगी, उसमें कुछ आपको पैसे मिलेंगे, राइट,
लेकिन इन 4 महीने के अंदर आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी कंपनी के द्वारा, और जिस भी कंपनी में आप परफॉर्म कर रहे हैं वो कंपनी देखेगी कि आपने कुछ अच्छा किया है। जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे 4 महीने में, उतना अच्छा आपको प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा। हो सकता है कोई कंपनी, सेम कंपनी, एक बच्चे को ये बोले कि जी आप का जो हम पैकेज है वो इतना 50,000 रुपए आपको महीने का देंगे, हो सकता है दूसरे को बोले वो 10,000 रुपए देंगे, राइट? बिकॉज इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन हाउ यू परफॉर्म इन दोज इंटर्नशिप पीरियड, राइट? प्लेसमेंट मॉडल है, मैंने आपको बताया, अनऑर्थोडॉक्स है, हाइब्रिड एंटरप्रेन्योर मॉडल है। हाइब्रिड आजकल सब चीजें ही हाइब्रिड है, तो प्लेसमेंट मॉडल्स को भी हाइब्रिड होना ही पड़ेगा, राइट? और ये क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस एसोसिएट मॉडल और मिनिमम गारंटी मॉडल, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं इसको। बिजनेस एसोसिएट मॉडल ऐसा है, मान लो आपने 4 महीने खूब अच्छा परफॉर्म किया किसी कंपनी में, एक्स वाई जेड कंपनी में आपने काम किया, डायरेक्ट सेलिंग की जो जेन्युइन कंपनी है जिसका आपको अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें आपने काम किया, और उसके बाद वो कंपनी को आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, तो वो हो सकता है आपको बोले कि मैं तुम्हें 30,000 रुपीज पर मंथ इज योर बिजनेस एसोसिएट फी, जो कि फिक्स है, उसके अलावा जो भी आप बिजनेस कमीशन या इंसेंटिव अर्न करेंगे वो अलग से, राइट? और ये 1 साल के लिए या 6 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए, जो भी कंपनी के साथ पैक्ट होगा, बिकॉज इट्स अ कस्टमाइज प्लेसमेंट ऑफर, राइट? तो कुछ भी हो सकता है, आप जितना कन्विंस कर सको, जितना कंपनी आपके उससे परफॉर्मेंस से खुश हो उतना वो आपको बोल सकती है, 20, 25, 40, 50, 60 जितना मर्जी, है ना, जो भी कंपनी ने फिक्स रखना है वो आपका एक फिक्स है। उसके अलावा वो मतलब आपको एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी मिल गई 1 साल के लिए, और अगर आप प्रॉपर प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते हैं तो आप उसको बाईपास कर लोगे, तो दे विल विड्रॉ इट आफ्टर 1 month और समथिंग, 1 महीने के बाद वो विड्रॉ कर लेंगे उसको, जो आपका बिजनेस एसोसिएट फी थी, और बाकी आप फिर, क्योंकि उस समय आप अच्छा कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, इनिशियल जॉब सिक्योरिटी आपको मिल रही है और साथ ही साथ में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सको और आप एक एंटरप्रेन्योरल रास्ते पे चल सको। मिनिमम गारंटी मॉडल भी थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन यहां पर आपका फिक्स अमाउंट ऐसा नहीं होता कि फिक्स और अलग अलग होते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं होते, ये इंक्लूसिव होते हैं। सिर्फ यही फर्क है बिजनेस एसोसिएट और मिनिमम गारंटी मॉडल में। मिनिमम गारंटी मॉडल में आपका जो कंपनसेशन है वो इंक्लूसिव होगा, तो कंपनी बोलती है कि आपको ओवरऑल हम महीने का 60,000 देंगे या 70,000 देंगे, तो उसमें से जितना आप इंसेंटिव अर्न कर लेंगे वो इंसेंटिव आपका है, उसके अलावा जितना बचता है वो हम पे करेंगे। मान लो कंपनी ने आपको 50,000 रुपीज की मिनिमम गारंटी दी है, उसमें अगर आप 15,000 फर्स्ट मंथ में आपने 15,000 अर्न किया अपनी कमीशन से, तो बाकी 35,000 रुपए कंपनी आपको दे देती है, राइट? जिस दिन आप 50,000 से ऊपर चले जाते हैं उस महीने एमजी मिनिमम गारंटी आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने, कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया था कि आप कम से कम 50,000 रुपए हमसे लेंगे, और ये भी डिपेंड करता है साल के ऊपर। और अगेन मैं आपको बताता हूं कि ये बिजनेस एसोसिएट मॉडल, मिनिमम गारंटी मॉडल, ये दोनों के दोनों मॉडल्स वुड बी बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने बोल दिया बिजनेस एसोसिएट मॉडल तो आप बोले जी कोई बात नहीं, अब तो कंपनी ने देना तो है ही इतना, तो मैं तो तनख्वाह में ही खुश हूं, मेरे को इंसेंटिव नहीं चाहिए, तो ऐसा होगा नहीं। जैसा कहीं भी नहीं होता, किसी भी जॉब में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट में एक सिंपल सा नियम है, बोलते हैं परफॉर्म और पेरिश, या तो परफॉर्म करो या फिर आप फिट नहीं हो उसके लिए। ये सारे के सारे थोड़ा बहुत टारगेट बेस्ड या जो भी कुछ इनका एक दे विल बी सब्जेक्ट टू द फ्रेमवर्क दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द कंपनी। और ऑफ कोर्स जैसा हर एक प्लेसमेंट ऑफर में होता है, ये आपकी और उनकी दोनों की, दे विल ऑफर यू समथिंग एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद ही ये चीजें चलती हैं। ऑल इन ऑल मेरा बोलने का मतलब यह है कि द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज प्रिटी ऑसम, राइट? तो हम जो फी वगैरह भी जो मैं आपको अभी बताऊंगा बड़ा नॉमिनल है, किसके लिए बेनिफिशियल है? पहली बात, ग्रेजुएट्स जो कि डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर लेना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं बहुत सारे मैंने आपको बताया, और उन्हें वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं 10,000 की नौकरी मिल जाए, 15,000 की नौकरी मिल जाए डायरेक्ट सेलिंग, उन्हें लगता है कि ये उनको उनको कभी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन ही नहीं लगता है ना। लेकिन जब फीस देता है आदमी और जब उसके बारे में पढ़ाई करता है और जब समझ में आती है तो लगेगा प्रोफेशन, राइट? तो ग्रेजुएट्स हु कैन हु आर विलिंग टू टेक अप डायरेक्ट सेलिंग एज अ करियर। एजुकेटेड हाउसवाइफ्स, अगेन मैंने आपको बताया, एक बहुत ज्यादा बड़ा इनके लिए एक यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। पीपल लुकिंग टू क्रिएट एन एडिशनल इनकम स्ट्रीम, राइट? अपने जॉब के साथ वर्ड्स ऑफ डायरेक्ट सेलर, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो बहुत अच्छा यहाँ से अर्न करने हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इसके बारे में सीखें, इसके बारे में समझें, और वो कर सकते हैं। या कुछ कंपनीज भी अपने किसी अच्छे डायरेक्ट सेलर को
कंपनीज अपने स्पॉन्सर कर सकती हैं कि जाओ और थोड़ी फॉर्मल एजुकेशन लेके आओ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, सो दैट यू कैन इवॉल्व इनटू अ ग्रेट लीडर, राइट। गेस्ट लेक्चर्स के लिए ये सारे लोग हैं जिन्होंने की एक्सेप्टेंस दिया है, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, राइट। सारे स्टॉलवर्ड्स हैं, अलग अलग कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये सारे लोग इतने बैलेंस्ड हैं कि इन्हें पता है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर फ्लरिश करेगी तो एज एन इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, राइट। तो आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑफ द कंपनीज, बट ऑल ऑफ देम आर लाइक लेजेंड्स, और सभी के सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं और बहुत ज्यादा विजडम है इनके पास शेयर करने के लिए। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने बेस्ट इंटरेस्ट में थोड़े से लोगों के नाम रखे हैं और वो भी सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। प्रोग्राम का आउटकम फाइनली हम बात करते हैं, एक इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरल मॉडल हमने डेवलप करना है, ग्रेजुअली शिफ्टिंग द एम्प्लॉय माइंडसेट टुवर्ड्स एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। लीडरशिप डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं और एक 100% प्रिडिक्टेबल और डुप्लीकेटेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टैकिंग, बल्क परचेजिंग, होल्डिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग से हमें बाहर निकालने हैं। कमियां हर एक इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग में भी है, बट हमको इकट्ठे मिलकर उनको इरेडिकेट करना है, राइट। एम्पिरिकली मीन्स साइंटिफिकली हमने एस्टेब्लिश करना है एक साइंटिफिकली डेवलप मॉडल को, ताकि लोग उस पर चले और सक्सेसफुल हो सके। प्रोडक्टिविटी और एक्टिविटी को डिलिनिएट करना है, बिकॉज जॉब्स में हम जाते हैं तो एक महीने में हमें समझ में आ जाता है कि अगर हम प्रोडक्टिव है कि एक्टिव है, डायरेक्ट सेलिंग में हमें बताने वाला कोई नहीं है, है ना। तो हमें ये अपने आप को हमें इस तराजू पे तोलना पड़ेगा कि हम प्रोडक्टिव है या एक्टिव है। करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, कितने लोग एक्टिवली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हम सब जानते हैं, राइट। एंड गेटिंग ए टेस्टिमोनियल टू प्रूव द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्या वैल्यू है लोगों के सक्सेस में और खासकर डायरेक्ट सेलिंग में, ये हम इसका एक टेस्टिमोनियल, इसका एक प्रूफ हम प्रोवाइड करने की कोशिश करना चाहते हैं, सो दैट जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्रेडिट वर्दीनेस है वो कई गुना बढ़ जाएगी, हजारों गुना बढ़ जाएगी। मैं तो ये एनविजन करता हूं कि इन द कमिंग नेक्स्ट 2 to 5 years आईएम्स में, बड़े बड़े एफएमएस में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग जब पढ़ाई जाने लगेगी तो फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या एक सोशल दायरा होगा, एक क्या सोशल एक्सेप्टेंस लेवल होगा, क्या उसकी परसेप्शन होगी, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। फाइनली प्रोग्राम फी 99,000 है, एक्चुअल प्रोग्राम फी 1,57,000 थी, राइट। और हमने इनॉग्रल ऑफर में इसको 99,000 है, बहुत सारे जगहों से इसके ऊपर हमें स्कॉलरशिप्स मिली हैं जो कि एडजस्ट करके अभी ये 99,000 इनिशियल ऑफर है। मैं एक और बात बताता हूँ, कभी भी एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छा आदमी जो होगा, एक अच्छा जो सूटेबल कैंडिडेट होगा, उसके लिए फीस को हम आड़े नहीं आने देंगे, राइट। तो और भी कुछ किया जा सकता है, आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा काउंसलर को, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आपको ये उसमें भी मिल जाएंगे, जो फेसबुक के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिलेंगे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। पोर्टल है फर्स्ट यूनिव, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट यूनिव के ऊपर इसका एक पूरा का पूरा मूव डेवलप किया है और वहां पर जाके आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां भी मिल जाएगी। ये चीजें एडमिशन फॉर्म और वेबसाइट www.shunyuniversity.com पे आप जाएंगे तो वहां से भी आपको एडमिशन के लिए रूटिंग हो जाएगी। तो ये प्रेजेंटेशन है, आई होप कि मैं आपको इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी दे पाया और मैं रिजॉल्व कर पाया आपकी क्वेरीज। तो चेतन जी थैंक यू आपके ऊपर। थैंक यू सो मच कमल जी फॉर द एग्जॉस्टिव प्रेजेंटेशन। मैं यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, वेल एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू डेवलप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर जिन्हें हम कहते हैं, ये तो इस कोर्स का एक ऑब्जेक्टिव है ही, पर हमारे व्यूअर्स को ये भी समझना होगा कि देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही तेजी से उभरती एक इंडस्ट्री है। अगर मैं बात करूं आज के समय में ही तकरीबन 600 से अधिक कंपनीज हैं जो एक्टिवली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कार्यरत है। होता क्या है, देखिए हर कंपनी के अंदर जोनल सेल्स मैनेजर होते हैं, टेरिटरी सेल्स मैनेजर होते हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रीजन हेड्स होते हैं। क्योंकि अभी तक डायरेक्ट सेलिंग की कहीं पे एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती थी, इसलिए हमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति हैं उनको हमें लेना पड़ता था। ये एक फर्स्ट टाइम एक डेडिकेटेड कोर्स है जिसमें कि जो हमारे बच्चे डायरेक्ट सेलिंग को सीख के ही आएंगे। तो आप देखिएगा बहुत सी कंपनीज इस कोर्स को करे हुए बच्चों को शायद अपने पेरोल पे भी लेना पसंद करेगी, शायद उनको टेरिटरी सेल्स मैनेजर अपॉइंट करना चाहे या उनको एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना चाहे। तो ये कोर्स जो है ये दोनों तरीके से काम करेगा, ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करेगा ही करेगा,
पर इसके अलावा ये आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जो एक परमानेंट या उनके पेरोल पे जो जॉब है उसके लिए भी आपको तैयार करता है। तो थैंक यू सो मच कमल सर। सो आई थिंक दो तीन क्वेश्चंस जो हमारे पास ऑडियंस में पहले शेयर किए थे, एक तो सर हमारे पास क्वेश्चन आया था कि इसके लिए क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या है, ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए ताकि आप ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग कर पाए, तो सर इसमें कुछ आप अगर बता पाए तो। सर देखिए, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, नई एजुकेशन पॉलिसी में ये सर ये सारी बंदिशें खत्म है और एनीवन कैन डू एनीथिंग, राइट। आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन होनी थी, तो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, राइट, वो हम लेके चल रहे हैं। और बाकी इसमें और एज सच कुछ भी नहीं है, एक इंटरव्यू होगा और वो इंटरव्यू हम लेंगे सो दैट वी कैन चूज, बिकॉज ये जो हमारा बहुत छोटा सा बैच है जिसका अप्रूवल मिला है, दिस इज जस्ट लाइक 30 स्टूडेंट्स, और इन 30 बच्चों को हम चाहते हैं कि हम सुपर 30 बनाए, तो ये सुपर 30 बनके निकलेंगे एंड द बेस्ट स्टूडेंट्स। और बाकी ग्रेड्स का भी इसमें एक क्राइटेरिया रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, वील सी, राइट। तो बस ग्रेजुएशन इसमें एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, नथिंग मोर देन दैट, और एक इंटरव्यू होगा जो कि थोड़ी सी ज्यादा, जिसको क्लियर करना थोड़ा टफ है, मतलब अगर मैं आपको सच बात बताऊं। राइट सर, राइट। दूसरा तो एक क्वेश्चन सर हमारे काफी व्यूअर्स ने रेज किया था, वो कहते हैं मैं ऑलरेडी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेट्स से 4 साल से या 5 साल से, तो ये कोर्स जो है ये मेरे क्या वैल्यू एडिशन मुझे प्रोवाइड करेगा, तो इस पे अगर आप थोड़ा सा सर प्रकाश डाल पाए तो। सर देखिए, मतलब हमारे कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा आपने बताया कि एक तो आयाम इसका ये भी है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो बहुत सारी 600 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उनमें जॉब पे जा सकता है, बट प्राइमरी प्रोफेशनल, जी बिल्कुल, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की भी एक कमी जो है इंडस्ट्री फेस करती है, ये कोर्स उसको भी कैटर करेगा। और लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, एक प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर, एक प्रॉफिटेबल डायरेक्ट सेलर क्रिएट करना, राइट। तो अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, अगर आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हो, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके लिए कोई इसमें बेनिफिट है, राइट। लेकिन अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो जो कि कोशिश कर रहा है, हु इज ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे काम करना है, किस तरीके से मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, ये सीन द पोटेंशियल, पर मतलब ही स्टिल अनक्लियर, हो सकता है कि मतलब दे माइट बी अ लैक ऑफ लीडरशिप इन इज लाइक द लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, या उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कंपनी मैं चूज करूं जो कि जिसमें कि जो मेरे लिए सूटेबल हो, तो उनके लिए जरूर ये फायदेमंद होगा, दे विल गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ थॉट, राइट। एक नया जो व्यक्ति है उसके लिए एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इंडस्ट्री ऑफर कर सकती है, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कौन कैसे कैसे लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं, मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट है बिल्कुल। और एक प्रिडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रिडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो जो लोग इनिशियल फेज में है, बेसिकली दिस कोर्स इज मेड फॉर पीपल, फॉर न्यू पीपल, राइट। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी सोचती है कि यार उनका एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ही नीड्स फर्दर थॉट ऑन दैट, ही नीड्स फर्दर क्लैरिटी ऑन, और उनको थोड़ा सा एक जो लीडरशिप वाला फॉर्मल एजुकेशन अगर उनको वो प्रोवाइड करें, तो ऑब्वियसली फॉर्मल एजुकेशन का आपको पता है सर, फॉर्मल एजुकेशन तो हमेशा ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, उसीलिए आईएम्स के जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली जाके एकदम से लीडरशिप रोल्स में चल पड़ते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो आईएएस क्लियर करते हैं, एचएएस क्लियर करते हैं, एकदम से वो ब्यूरोक्रेटिक रोल में वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने आप को समा पाते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट पार्ट, राइट। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं किसी कंपनी में, बहुत अच्छी इनकम है आपकी और आपको लगता है यू हैव ऑल द स्किल्स, तो प्रॉब्ली यू डोंट नीड दिस कोर्स, बट फॉर अदर्स दे डेफिनेटली नीड दिस, डेफिनेटली। और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये जरूर बताना चाहूंगा, देखिए कोविड के बाद से खासकर जो एक ग्लोबल ट्रेंड निकल के आ रहा है, व्हाट वी हैव सीन नाउ इज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर क्या होता है, वो अपने हर परचेज डिसीजन को, अपने हर डिसीजन को इवेल्युएट करता है कि क्या मुझे ये एक्सपेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लॉस हुई है, लोगों की इनकम खत्म हुई है, तो लोगों ने अपना एक हर परचेज डिसीजन को इवेल्युएट करना स्टार्ट किया है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको आप अप्रोच करते हैं, दे आर नाउ मोर अवेयर कंपेयर टू व्हाट दे वर सम 5 years back। आप उनको आज अप्रोच करेंगे, वो आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको इंडस्ट्री के बारे में क्लैरिटी है, क्या आपको क्लैरिटी है क्या रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स हुई है, क्या आपको क्लैरिटी है कि वर्ल्ड ओवर क्या चल रहा है,
और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग है, ये आपको एक पूरी तरह से परिपक्व डायरेक्ट सेलर बनाने में हेल्प करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज अभी इंडिया में आ चुकी हैं, और अगले कुछ सालों में आप देखिएगा रूल्स एक बार नोटिफाई हो जाएंगे तो दुनिया की जितनी भी शीर्ष डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं सब भारत में आएंगी, कार्यरत होंगी, और दे विल बी लुकिंग फॉर लीडर्स, दे विल बी लुकिंग फॉर इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स, जो कि आज के समय में भारत में उपलब्ध नहीं है। तो ये कोर्स जो है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, सुपर 30 क्रिएट होंगे हर साल, और ये सुपर 30 जो होंगे ये वाकई डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के सुपरमैन कहलाए जाएंगे। सर, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि एक अभी इंडस्ट्री में कोई एंट नहीं है। आपके पास कोई भी एजुकेशन आप देते हैं, सो बाय लॉन्चिंग दिस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, आपको क्या लगता है कि हम खुद ही कोई एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर रहे हैं सर? दिस इज अ गुड क्वेश्चन चेतन जी। और मतलब एंट्री बैरियर की हम बात करते हैं तो मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान भी बताया था कि हेलो हेलो कुछ इशू हेलो हेलो ओके सो आई थिंक चेतन जी के एंड पे चेतन जी थोड़ा इशू आपके मैं आपके एंड पे कोई इशू है बट इट लुक्स लाइक कि मेरे एंड पे कोई नेट का इशू है। अरे तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि काफी लोग हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि एट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट देयर इज नो क्वालिफिकेशन नीडेड टू एंटर द इंडस्ट्री एंड दिस इज इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो बाय लॉन्चिंग दिस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, काफी लोगों का ये एक संदेह है कि हम शायद खुद ही एक एंट्री बैरियर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या सर कहना चाहेंगे? आपके आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इससे मुझे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इन डायरेक्ट सेलिंग देयर आर एनी काइंड ऑफ पीपल राइट, सो हर एक तरीके के, जैसे हर एक इंडस्ट्री में होते हैं किसी भी तरीके के लोग हैं, और जब हमने इसका लॉन्च का भी हमने बात की तो everyone tries to take things into their advantage, right? तो अभी हम entry barrier की भी हमने पहले बात की थी। मैं आपको एक छोटा सा instance बताता हूँ। आज ही सुबह मुझे कहीं से मेरे feed पे आया, social media feed पे, कि अब देखो जब तक free में मिल रहा था तब तक समझ नहीं आ रहा था, अब 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे तब समझ में आएगी direct selling। So people try to like manipulate things into their own way। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इट इज नॉट एन एंट्री बैरियर राइट, सो इट इज जस्ट गिविंग एडिशनल एडवांटेज। तो अगर हम किसी को ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप जब तक आप डिप्लोमा नहीं करोगे तब तक आप आ नहीं सकते डायरेक्ट सेलिंग में, है ना? तो वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें तो कोई एंट्री बैरियर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग आप फॉर्मल एजुकेशन लेके जाओगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस आर एनहेंस्ड राइट। तो वो ऐसा ही है कि अब अगर आप कोई भी और प्रोफेशन देख लो, आप शॉपकीपर्स देख लो, आप वैसा देख लो कि आप कोई बिजनेसमैन देख लो, तो बहुत सारे कई सारे एग्जाम्पल है जिसमें लोगों की फॉर्मल एजुकेशन नहीं है लेकिन वो सक्सेसफुल हो, लेकिन वो बड़े कम है, है ना? वो बहुत कम क्वांटिटी में, कम परसेंटेज में है। लेकिन अगर आप मान लो हार्वर्ड से बिजनेस की एजुकेशन लेते हो या कहीं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से बिजनेस की एजुकेशन लेते हो तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस आर एनहेंस्ड। तो हम किसी भी तरीके से ये जो एंट्री बैरियर का जो एडवांटेज है, जो नो एंट्री का जो एडवांटेज है, उसको हम खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डिसएडवांटेज है एंट्री बैरियर का, उसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से। क्योंकि इसमें एक ये भी हमें जरूर ऐड करना चाहिए, देखिए किसी भी इंडस्ट्री में एजुकेटेड लोग आते हैं तो वो उस इंडस्ट्री को एक नए आयाम पर लेकर जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं, जो क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं, इंश्योरेंस। कुछ समय पहले तक या आज तक भी इंश्योरेंस, टू बिकम एन इंश्योरेंस एडवाइजर, शायद आपको एक बहुत प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, बट वहां से आज हम उस स्टेज पे हैं जब भारत में इंश्योरेंस की जो सब्जेक्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, और इनफैक्ट उसमें भी स्पेशलाइजेशन दी जाती है। आप हेल्थ इंश्योरेंस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, आप अगर जनरल इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में जाना चाहते हैं, उसके लिए अलग कोर्स है।
डायरेक्ट सेलिंग आज उस मुकाम पर आ गई है जब इंडस्ट्री बहुत जल्द भारत की इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करने वाली है। तो जब एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाती है तब बहुत जरूरी हो जाता है कि उस इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स हमारे पास हो। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग है, जैसे कमल जी ने कहा, ये तो एक शुरुआत है। आप देखिएगा विद इन नेक्स्ट 2 या 3 या 4 ईयर्स डिफरेंट एमबीए कॉलेजेस, टॉप एमबीए कॉलेजेस जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट सिमिलर डिप्लोमा ऑफर करेंगे। और इसमें बिल्कुल हमें एज आईडीएसए या शुल्ली यूनिवर्सिटी हम इसको बिल्कुल वेलकम करते हैं, क्योंकि पर्पज है इंडस्ट्री ग्रो करे, पर्पज ये नहीं है कि हमारा ये इनिशिएटिव ग्रो करे। ऑफकोर्स ये तो इनिशिएटिव ग्रो करेगा ही करेगा, बट ओवरऑल इंडस्ट्री जब तक ग्रो नहीं होगी, जब तक इस तरह के सिमिलर इनिशिएटिव भारत के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में नहीं शुरू होते। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ एग्जैक्टली सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारा तो ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री की ग्रोथ है ना, और जो हमारा डायरेक्ट सेलर है उसकी ग्रोथ है। एंड वी वॉन्ट पीपल टू सक्सीड इन डायरेक्ट सेलिंग, वी वॉन्ट द एंटायर इकोसिस्टम टू फ्लरिश। और वो फ्लरिश तभी करेगा जब, मेरा तो हमेशा से यही ड्रीम रहा है सर, हमारा सभी का मिलजुल के जब भी हमने बात की यही हमारा ड्रीम रहा है कि कोई एक ऐसा दिन आया जिस दिन टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस, टॉप इंस्टीट्यूट्स में ये डायरेक्ट सेलिंग एज अ करियर, एज अ कोर्स प्रोग्राम पढ़ाया जाए। और जैसे हमने बात की अभी, तो ये पीजी डिप्लोमा से हमने स्टार्ट किया है, वेरी हमारा मतलब 100% हमारा ये इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पीजी, जो आपका एमबीए है डायरेक्ट सेलिंग में, स्पेसिफिकली इन डायरेक्ट सेलिंग। तो वो भी एमबीए हमने स्टार्ट करना है विद इन लाइक प्रॉब्ली मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर हम उसको स्टार्ट करेंगे। और ये प्रोग्राम जब सफल होगा, और जो को मुझे 100% विश्वास है सफल होगा ही होगा, बिकॉज इंडस्ट्री साथ में है, अकेडमिया साथ में है, तो इसकी सफलता में कभी कोई दो राय नहीं रहती है। और जैसे ही ये सफल होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और सब इस मॉडल को फॉलो करेंगे। और कभी किसी जो आप में से अगर श्रोता कोई ऐसे हैं जो कि सुन रहे हैं एंड हु आर एफिलिएटेड टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, वी आर मोर देन हैप्पी टू गिव यू कंसल्टेंसी ऑन दिस। सो एनी टाइम यू मोस्ट वेलकम। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड टू दिस सेशन सर। एक दो क्वेश्चन मैं और फटाफट आपसे रेज करता हूँ। संजना चौधरी जी हमारी यूट्यूब पे व्यूअर है, ये जानना चाहती है कि सर ये कोर्स 12th के बाद क्यों नहीं है। तो आई थिंक संजना जी शायद रेगुलेटरी अप्रूवल अभी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का ही मिला है, सर आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं अभी हमने जैसे अप्लाई किया था, हमने बेसिकली ग्रेजुएशन के लिए हमने इसको अप्लाई किया था। पोस्ट ग्रेजुएट वी वांटेड इट टू, बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद कोई चीज होती है उसकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। प्लस टू के बाद भी हम देखेंगे, कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी आपके जो आपके प्रोग्राम चलते हैं जो कि कॉम्पोजिट प्रोग्राम्स होते हैं प्लस टू के बाद और मास्टर तक इकट्ठे जाते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, वील ट्राई फॉर दैट राइट। तो अभी तो लेकिन हमने पीजी लेवल पे इसको स्टार्ट करने की सोची थी, बिकॉज वी वॉन्टेड दैट वॉज द मोस्ट एप्ट लेवल हमारी सारी रिसर्च के बाद, और जो भी सबका थॉट प्रोसेस था स्टेक होल्डर्स का, सबने डिस्कस करके यही बात की थी। तो प्लस टू लेवल पे भी कभी ना कभी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम बीबीए वगैरह में इसकी कुछ ना कुछ ऐड करेंगे सर। राइट सर, राइट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बी आंसर्ड व्हिच आई कैन सी आवर व्यूअर्स आर रेजिंग। वन क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एज लिमिट, इज देयर एनी एज लिमिट टू परस्यू दिस कोर्स सर? नो, नो एज लिमिट सर, नो एज लिमिट। सो डेवलपमेंट हैज नो लिमिट्स राइट, सो विल नॉट रिस्ट्रिक्ट एज, कोई हमारे साथ सर अभी हमारे पास एक एमएससी योगा करने लोग आए हैं, तो दे आर मोर देन 60 इयर्स ओल्ड, सो वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट इट टू एज आई थिंक। सो हम रिस्ट्रिक्शंस एज की तो नहीं रखेंगे राइट। और मैं एक बार फिर अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, डॉक्टर कमलकांत ने आप लोगों को एश्योरेंस दी है फी की वजह से हम किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं जाने देंगे। आईडीएसए और आईडीएसए की जो मेंबर कंपनीज है, वी आर कमिटेड, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को हम लोग स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। आईडीएसए मेंबर कंपनीज विल स्पॉन्सर अ कैंडिडेट इन देयर ड्रीम ऑफ परसुइंग दिस एजुकेशन। सो अगर फीस आपको कोई इश्यू लगता है, बिल्कुल इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी नॉमिनल फीस है वो आप अपने कोर्स के दौरान रिकवर तो कर ही लेंगे, पर इसके अलावा भी आपको स्कॉलरशिप इंडस्ट्री की जो लीडिंग कंपनीज है, आईडीएसए की जो मेंबर कंपनीज है, वो प्रोवाइड करेंगी। दे विल स्पॉन्सर दिस कोर्स फॉर यू। And I think, sir, we are at the end of the session now. So thank you so much for taking out time and, giving this special presentation to all our viewers on postgraduate diploma and direct selling. And I'm sure, with your efforts, with the efforts of Shulin University, and of course, with the, whatever little help IDSA can offer to you,
we will be able to create the this whole initiative a grand success. Thank you so much, sir. Chetan ji, jaate jaate, I would just like to show our viewers the glimpse of the Center of Excellence jo humne set up kiya hai wahan par Shurli mein. Yes sir, definitely, that would be great. Let's them just show how the center will look like. Let's end on a note, aur inhone suna hai iske bare mein, to university ne khub investment. So this is the beautiful place where our Super 30 would be made, right? Plus all the infrastructure. Thank you very much, Chetanji, for being a wonderful moderator. Thank you, sir. Thank you for joining us. Giving me this opportunity. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye.